हे हो गाइस, व्हाट्स अप, लेजेंड इज हियर। और अभी हम लोग खेल रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था एक्चुअली, इसलिए थोड़ा देरी से इंट्रो दिया। कोई बात नहीं, तो काफ़ी टाइम बाद फाइनली क्लैश ऑफ क्लैंस। अरे यार, मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता ट्रूप्स के लिए, नो प्रॉब्लम। सो जैसा कि तुम देख सकते हो, टाउन हॉल 10 के लिए मैंने अपग्रेडिंग पे लगा दिया है फाइनली, क्योंकि अभी अभी सीजन नया आया है जैसा कि सब जानते ही हैं। न्यू सीजन हैज कम, ओह माय गॉड, वेरी एपिक। और तो पिछले सीजन से काफ़ी सारी लूट मिली थी, जिसकी मदद से मैंने अपने टाउन हॉल को लेवल 10 पे अपग्रेड करने का फैसला किया, क्योंकि यू नो एयर डिफेंसेस काफ़ी ओपी लेवल के हो चुके हैं। विजिट टावर्स ओपी, आर्थर टावर्स ओपी, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओपी आई गेस ये वाला। एंड मतलब आर्मी स्पेस भी ओपी, ट्रूप्स बहुत सारे मैंने अपग्रेड किए। मतलब ये देखो, बलून लेवल 6 का हो गया हमारा, विजर्ड हमारा लेवल 6 का हो गया है, हॉग राइडर लेवल 4 के लिए लगा हुआ है, हीलिंग स्पेल लेवल 4 का हो गया है, किंग हमारा लेवल 11 का हो गया है, और हमारी क्वीन भी लेवल 7 के लिए लगी हुई है। और हॉग राइडर 2 दिन में हो जाएगा, मैंने अपना वो रिसर्च पोशन यूज़ कर डाला है इसके लिए। अरे बलून कितना मस्त लग रहा है अपग्रेड होने के बाद, और विजर्ड भी और हीलर्स भी। अरे हाँ, हीलर को भी तो लेवल 3 का किया मैंने, एपिक। बहुत कुछ अपग्रेड किया मैंने, एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए फाइनली। अब मैं दबा करके मतलब वही वीडियोज डालूँगा। या क्लैन कैसल अपग्रेड हो गया है, इसलिए अब मैं यू नो ढेर सारे वो मांगता हूँ, इलेक्ट्रो ड्रैगन, ढेर सारे क्या एक ही मांगता हूँ। सो तो आज का मेरे पास कोई प्लान नहीं है एक्चुअली, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ एक्चुअली। तीनों बिल्डर्स क्योंकि लगे हुए हैं, 7 घंटे में यही हो जाएंगे। अभी टाइम 12 बज रहे हैं, यानी 8 बजे तक ये एक्सबो और ये क्वीन दोनों हो जाएंगे। और ये तो जब मेरे 2 बिल्डर फ्री हो जाएंगे, तब मैं उनको ऐसे ही कहीं पे भी लगा दूंगा, एक आर्मी कैंप अपग्रेड कर देंगे, है ना, क्योंकि एलिक्सर बहुत ज़्यादा है जैसा कि देख सकते हो, वेरी एपिक। और एलिक्सर स्टोरेज मैंने सारे मैक्स कर दिए, और 8 लाख की हो गई है स्टोरेज, वेरी एपिक, ओह माय गॉड, वाओ। तो यह जैसे ही एक बिल्डर फ्री होगा, हम आर्मी कैंप को अपग्रेड कर देंगे, 5 की तो स्पेसिंग मिलेगी। तो बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है, हाई ब्रीडिंग, बट ये स्ट्रैटेजी पुरानी हो गई, मैंने हल्का सा बहुत हल्का सा चेंज मारा है इसमें। चेंज ये मारा है कि 2 हॉग राइडर कम करके 1 एक्स्ट्रा हीलर ले लिया है। मैं जानता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। हमारा आर्मी कैंप भी अब जैसे ही हम 7 बजे के अराउंड लगा देंगे अपग्रेडिंग पे, तो 15 से हॉग राइडर की स्पेसिंग आई थिंक 5 होती है, यस 5 होती है, और हीलर की 10 होती है, इसकी 14 हाउसिंग स्पेस होती है। सही में कुछ भी नहीं, मन पता नहीं होती होगी, मेरा क्या जाता है। हाँ, मैंने एक विजिट भी कम किया ना इसके लिए, विजर्ड भी तो एक कम कर दिया हीलर के लिए, 2 हॉग और 1 विजर्ड की कुर्बानी दे दी है। तो अगर मैं 2 आर्मी कैंप अपग्रेड करता हूँ, जिसमें आएगा मेरे आर्मी कैंप की कीमत क्या होती है, 2,025,000, यानी हमें 4,050,000 मीन्स 4,500,000 ये लगेंगे, और हमारे पास बचेंगे आएगा कुछ 2 मिलियन। तो ठीक है, 2 मिलियन एलिक्सर होगा हमारे पास बचा हुआ, जो आई गेस इसे अपग्रेड करने के लिए काफ़ी, कोई बात नहीं, अगर इसे अपग्रेड करने के लिए काफ़ी वो नहीं भी होगा, तो क्लैन वॉर लीग शुरू हो चुकी है। और क्लैन वॉर लीग से तुम्हें पता है हमें क्या मिलता है, क्लैन वॉर लीग से हमें मिलता है हमें क्लैन वॉर पॉइंट्स मिलते हैं, और ये हम हमेशा टॉप 3 में ही आते हैं। तो यार 136 पॉइंट्स तो इस बार लेके ही जाने हैं, 136 पॉइंट से हम 2 बार इसे खरीदेंगे और फिर ख़त्म कहानी। 5 मिलियन एक से तो भाई बैराक्स कर देंगे, और फिर कुछ से हम अपना लावा हाउंड कर दे, मतलब ये किसके बाउलर कर लेंगे, और कुछ
कुछ से हम लेबोरेटरी कर लेंगे, कुछ से हम स्पेल फैक्ट्री कर लेंगे और कुछ से डार्क स्पेल फैक्ट्री। इसमें मुझे बरसों लगने वाले हैं भाई, कितने सीजन्स का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। सही बात है, कोई नहीं, हम पुशिंग करेंगे। मैंने ट्रॉफीज़ बहुत सारी गेन की, मैं E1 ये देख सकते हो 1838 तक गया था। लेकिन हुआ क्या जानते हो, कुछ दिन पहले एक दैत्य यहाँ पे आया था, कुछ दिन पहले एक दैत्य यहाँ आया था। उस दैत्य का मिशन करते 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 मेरे ट्रॉफीज़ इतनी गिर गई मैं क्या बताऊँ। और फिर अब लोगों को तो मेरा बेस मिल गया है ना, लोग धबाधब अटैक करते हैं, तो इसलिए ट्रॉफीज़ बहुत कम हो गई हैं। सैड लाइफ यार, ले भी जाते तो 20-30 ले जाते हैं ट्रॉफीज़ यार, तमीज़ से सिर्फ 2 ट्रॉफी ले जाओ, पेट नहीं भरता क्या इन लोगों का। जैसे कि अभी ये देख लो, 11 ट्रॉफी, 13 ट्रॉफी, ये अच्छा बच्चा था, क्या नाम है इसका, रशियन है कोई, 9 ट्रॉफी ले गया बदतमीज़। और ये पी बॉय भी अच्छा था आदमी, 29 ट्रॉफीज़ दे गया। ऐसे बंदे मिलने चाहिए, ऐसे नहीं, ये देखो 24 ट्रॉफी ले गया हैं, ऐसे बंदे यार दिल दुखा देते हैं। कोई बात नहीं, अब ये सब बातें हम साइड करते हैं और चलते हैं अटैक करने के लिए। ऑलराइट, सो यह आर्मी बिल्कुल ट्रेन है, लेट्स अटैक। 3 घंटे की शील्ड ले लेगी अटैक, यार बड़ा बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई, भाई समझ के कह रहा हूँ, क्या ड्रामा बना रखा है उसने यार सही में। ऑलराइट, सो हमें बेस मिल गया एक अच्छा खासा, एंड ट्रॉफीज नहीं है लेकिन इसके पास, और बारबेरियन ही है, सिर्फ किंग ही है, सो हटा दो। एंड यस, मैं ये बताना कैसे भूल सकता हूँ भाई, सपोर्ट क्या होता है, क्यूडीपाई गलत, सपोर्ट इसे कहते हैं। 2 हफ्ते वीडियो बस नहीं डाली मैंने, सही में 2 हफ्ते बस वीडियो नहीं डाली, और भाई आप लोगों ने मतलब 115 हो रहे थे सब्सक्राइबर्स, 115 से 159 करा दिए भाई साहब सपोर्ट के बाद। तो देखो इसके बाद हुआ क्या, एक्चुअली अब ये एक स्टोरी में बदल गई है और एक बहुत ही एपिक स्टोरी में बदल गई है। तो हुआ क्या, मैंने कहा भाई इतनी जल्दी इतना ऊंचाई से तो भाई मेरा चैनल कैसे बढ़ गया, तो मैंने सोचा हो सकता है मेरे दोस्तों ने बढ़ाए हो, है ना, वो भी बढ़वा सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ ये कि एक अच्छा सा बेस मिल गया है, तो सबसे पहले हम इस पर अटैक मार देते हैं। एक तो पहले हम डालेंगे यहाँ पे थोरेज स्पेल, और यहाँ पे एक रिंग देंगे, इसको तोड़ दो यार, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज थी, बाप रे कितनी तेज वॉल्यूम दिखती थी। ऑल राइट, हमें अपने आई गेस फ्री स्पेल का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नो सारे डिफेंसेस तो हमने ले लिए और काफ़ी अच्छी खासी लूट और ट्रॉफी भी मिल गई हमें, 23 ट्रॉफीज और काफ़ी अच्छी मस्त झकास बिंदास वाली लूट, और हमें अपना ये फ्री स्पेल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब डोनेशन में नहीं मांगना पड़ेगा, वेरी गुड। अबे ये कौन आ गया, अच्छा चलो बेबी ड्रैगन तो खैर संभाल लेगा, बेबी ड्रैगन ओपी है, और हमारे विजर्ड्स बचे यार, विजर्ड का अटैक डैमेज जो हुआ है ना अपग्रेड के बाद वो बहुत ओपी हो गया, और हॉग राइडर भी काफ़ी, उसका हथौड़ा काफ़ी ओपी हो गया, विजर्ड का अटैक डैमेज देखो, और ये दो भाग रहे हैं क्या शायद, हाँ कैसे अजीब सा लग रहा है, विजर्ड का अटैक डैमेज ओपी, एक ही वजह है, इसको तोड़ देंगे सब, बारबेरियन को एबिलिटी दे देते हैं है ना, ताकि हमें टाइम ना लगे दूसरा अटैक करने में।
Alright, very epic loot. 2 million gold, 2 lakh gold, 3 lakh elixir, 1000 dark elixir. बोनस में भी 1 लाख मिला है और बोनस में 1 लाख मिला है, 13,000 मिला है। ये 1 लाख की लूट बोनस।